हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो फाइनली यार एमबीए का जो अपडेट है वो आ चुका है यहाँ पे, मतलब गेम में नहीं फॉरम्स में। तो देखते हैं कि क्या रिवॉर्ड्स है और क्या क्या आने वाला है इस महीने गेम के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एस्केप फ्रॉम टाइटन ये सब तो पढ़ने के बाद जबरदस्ती का है। 3 मई को स्टार्ट होगा, 7 जून को ये खत्म होगा। क्वेस्ट फॉर्मेट होगा 4 फाइट्स पर रन, 3 पैट डिफेंडर्स प्लस 1 फाइनल बॉस। तो मतलब 4 फाइट होगी 1 रन पे और 3 फाइट होगी डिफेंडर्स से, मतलब 1 पैच में 3 फाइट रहेगी और 1 बॉस फाइट रहेगी। तो उस हिसाब से 4 फाइट हो रही है। अभी देखिए, एक न्यू मैप पर वीक फॉर 4 वीक्स, हर हफ्ते एक नया मैप आएगा गेम के अंदर जो 4 हफ्ते तक चलेगा। और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं। डिफेंडर हैव ट्रैप बफ होगा कुछ इसके अंदर डिफेंडर्स के ऊपर। मिडल पैथ हैज नो बफ ऑन डिफेंडर्स, तो मिडल पैथ जो रहेगा बीच वाला पैथ उसके अंदर कोई सा भी बफ नहीं रहेगा। प्लान योर पैथ केयरफुली, ईच डिफेंडर योर डिफेंड विल हैव द लोकल बफ एडेड एज अ ट्रैप बफ टू सब्सिक्यूट डिफेंडर्स फॉर दैट रन। अपना जो पैथ है प्लान करना केयरफुली, क्योंकि हर एक डिफेंडर्स के ऊपर एक ट्रैप बफ है जो आपको मतलब सब्सिक्यूट कर सकता है डिफेंडर्स फॉर दैट रन, मतलब उस रन के लिए। सब्सिक्यूट का मतलब गूगल ट्रांसलेट पर देख लेना। देर आर नो ट्रैप बफ ऑन द फाइनल बॉस, तो कोई सा भी ट्रैप बफ नहीं होगा फाइनल बॉस के ऊपर। कलेक्ट रिवॉर्ड अक्रॉस पाथ कंप्लीशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ ईच मैप, हर हफ्ते मतलब जितना भी आप एक्सप्लोर करोगे कंप्लीट करोगे मैप को उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा हर हफ्ते। 5 रिवर्क डिफिकल्टी, मोर इन्फो बिलो। तो 5 रिवर्क डिफिकल्टीज हैं। नो एंट्री आइटम, 1 एनर्जी पर मूव, मतलब 1 एनर्जी लगेगा। नो एंट्री आइटम मतलब एंट्री के लिए आपको कोई भी की या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, खाली आपको 1 एनर्जी लगेगी, मतलब क्वेस्ट खेलने के लिए एनर्जीज लगेगी बस। समर्स कैन प्ले ऑल थ्रेट लेवल्स, तो आप सारे थ्रेट लेवल्स खेल सकते हैं। थ्रेट लेवल रिवर्क यहाँ पे देख सकते हैं कि थ्रेट लेवल 1 प्रूवन कैविलियर अनकलेक्टेड कैविलियर और थ्रोन ब्रेकर और पैरागॉन, थ्रेट लेवल 5 पैरागॉन वालों के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थ्रेट लेवल 1 वालों के लिए 4 स्टार क्रिस्टल, 4 स्टार अवेकनिंग जेम, 4 स्टार अवेकनिंग जेम क्रिस्टल। भाई ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल रही है भाई इसके अंदर। मतलब थ्रेट लेवल 1 वालों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। 4 स्टार क्रिस्टल, अवेकनिंग जेम क्रिस्टल, 3 और 4 क्लास कैटलिस्ट फ्रैगमेंट क्रिस्टल 50%, 2 तो मतलब एक अक्खी हो ही जाएगी। Tier 4 basic catalyst, Tier 1 alpha catalyst, ultimate crystal energy refill, भाई साहब बहुत सही है। और यहाँ पे Tier 2 alpha 5 star awakening gem crystal, थ्रेड लेवल 2 वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे एनर्जी रिफिल 4 मिल रही है, आइसो जो है यहाँ पे मिल रही है, 6 star crystal start 2000, 5 star जो है 16000 और 9 लाख गोल्ड। भाई साहब यहाँ पे गोल्ड बहुत मिलने वाला है, मतलब 1 मिलियन गोल्ड तो थ्रेड लेवल 1 और थ्रेड लेवल 2 पार कर देगा, 1 मिलियन से ज़्यादा हो जाएगा। ये 1.2 मिलियन गोल्ड मिल रहा है यहाँ पे थ्रेड लेवल 3 पे। क्या 5 स्टार अवेकनिंग जेम क्रिस्टल, Tier 5 basic catalyst, energy refill 4, मतलब 4 energy refill यहाँ पे, 4 energy refill यहाँ पे और यहाँ पे भी 4 energy refill, 12 energy refill तो ऐसे मिल रहे हैं। भाई साहब मेरे लिए बहुत बेस्ट होने वाला है, क्योंकि मैं Act 8.2 एक्सप्लोर करने की सोच रहा था, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, बहुत सही हो जाएगा मेरे लिए। क्योंकि मुझे 7 स्टार शार्ट चाहिए, क्योंकि 7 स्टार आने वाले ये अपडेट के साथ ही, मेरे को जहाँ तक लग रहा है। तो जो गोल्ड है इसमें 1 मिलियन भाई, 2 मिलियन गोल्ड हो चुका है। और यहाँ पे देख रहे प्लेनेटरी शार्ट 9000 मिल रही है, 5 स्टार क्रिस्टल शार्ट मिल रही है 16000, तो 32000 यहीं से हो गए, 16000 5 स्टार क्रिस्टल शार्ट। और यहाँ पे भी 5 स्टार हीरो क्रिस्टल शार्ट 16000 मिल रही है, मिथिक क्रिस्टल शार्ट भी मिल रही है 5000। और अब चलते हैं थ्रेड लेवल 4 के ऊपर, तो यहाँ पर Tier 5 क्लास कैटलिस्ट फ्रैगमेंट, Tier 5 क्लास कैटलिस्ट और 6 स्टार अवेकनिंग जेम, ये भी बहुत सही रहेगा भाई साहब। 6 स्टार अवेकनिंग जेम क्रिस्टल, Tier 5 क्लास कैटलिस्ट फ्रैगमेंट सेलेक्टर 50%, Tier 5 basic catalyst और Tier 2 alpha catalyst यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पे हमें देखने मिल जाएगा 6 स्टार क्रिस्टल शार्ट 15000 और यहाँ पे 2 मिलियन गोल्ड ऑलमोस्ट। भाई जो गोल्ड की बारिश होने वाली है यहाँ पे, अभी गोल्ड अगर चाहिए तो ये वाला बहुत सही रहेगा। और यहाँ पे इंटर गैलेक्टिक का प्लेनेटरी शार्ट क्रिस्टल जो है वो 9000 मिल रही है, ठीक है, इतना ठीक रिवॉर्ड है यहाँ पे। और फुल एक्सप्लोरेशन रिवॉर्ड थ्रेट लेवल 5 यहाँ पे, ये पूरा जो है आपको फुल एक्सप्लोरेशन रिवॉर्ड दिखा रहा है। अब यहाँ पे फुल एक्सप्लोरेशन जो है यहाँ पे थ्रेट लेवल 5 के लिए वो है 6 स्टार अवेकनिंग जेम, जेनेरिक होगी क्योंकि यहाँ पे आगे कहीं क्रिस्टल नहीं लिखा है। अगर जेनेरिक हुई ना भाई तो मेरा हरक्यूलीज मैं अवेक कर दूंगा भाई, बहुत मजा आने वाली है। और रेलिक Tier 2 basic alloy, Relic Tier 3 basic alloy और Tier 1 class alloy selector। मैं मतलब रेलिक पर इतना ध्यान नहीं देता, तो मुझे रेलिक से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। Tier 5 class catalyst selector, Tier 5 basic catalyst इतना कुछ वो नहीं है। Tier 6 चाहिए मुझे, एनर्जी रिफिल 4 यहाँ से भी, मतलब 20 एनर्जी रिफिल मिल जाएगी। Tier 6 class catalyst fragment 5%। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ अभी काम करने चाहिए, 6 star relic shard नहीं चाहिए, 7 star hero crystal shard 2000 मिल रही है भाई, हो गई मेरी 7 star पूरी हो जाएगी अभी अगले महीने के रिवॉर्ड से।
मैं पूरा 7 स्टार कंप्लीट कर लूंगा। और इंटरगैलेक्टिक प्लानिटरी शार्ट क्रिस्टल जो है वो 9,000 मिल रही है यहाँ से भाई, मेरा हो गया। और 20,000 सिक्सटर क्रिस्टल शार्ट यहाँ से मिल रही है, 15,000 यहाँ से मिल रही है भाई। बहुत बहुत तगड़ा रिवॉर्ड है यार, मतलब सीरियसली बहुत तगड़ा रिवॉर्ड है। और ऑलमोस्ट 3 मिलियन गोल्ड है यहाँ पे, 2 मिलियन ऑलमोस्ट, 1 मिलियन, मतलब कम से कम 6 मिलियन या 7 मिलियन गोल्ड तो यहीं से जमा हो जाएगा। बहुत सही यार, बहुत सही रिवॉर्ड मिलने वाले। मैं तो सोच रहा हूँ सब कुछ कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि एनर्जी रिफिल तो मेरे को चाहिए। मैं एनर्जी रिफिल वाला ये फुली एक्सप्लोरेशन है ना, तो मेरे ख्याल से फुली एक्सप्लोर करूँगा तब मुझे ये सब मिलेगा। और 4 स्टार तो चाहिए क्योंकि आईसो चाहिए मुझे, अभी आईसो इतनी ज़रूरत है मेरे को आईसो की। अब देखते हैं कि नीचे कैसे बोलो ऑब्जेक्टिव में। ये देखो सुमना टाइटल द वाइल्ड एंड द ब्यूटीफुल, एक इंटरग्रेटेड पता नहीं ये सब टट्टी है। अच्छा ये मेरे ख्याल से सब कुछ रहेगा, तो यहाँ पे से भी जो आईसो हिल्ट है वो बहुत मस्त मस्त मिलने वाली है। एक मिनट ठीक है, एग्जिट स्ट्रैटेजी वीक फायर लेवल 3 भाई, एग्जिट स्ट्रैटेजी ये क्या है, थ्रेट लेवल 5 ही क्या है, गोल्ड 2 लाख। अगर मेरे ख्याल से एग्जिट हुए तो ये सब रिवॉर्ड मिलेगा शायद से, अगर पूरा नहीं कंप्लीट कर पाए तो। ये तो भाई जब गेम आएगा तभी मालूम पड़ेगा। इन द फिफ्थ वीक ऑफ द एस्केप फ्रॉम द टाइटन, अच्छा एग्जिट स्ट्रैटेजी एस्केप फ्रॉम द टाइटन है ना, तो यहाँ से हम बाहर जब निकलेंगे तो मेरे ख्याल से वो होगा, आई थिंक सो यही होना चाहिए। तो इसका रिवॉर्ड तो इतने कुछ खास नहीं है, तो इसके लिए मैं पढ़ रहा नहीं हूँ। अब ये देख सकते हैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी सिनर्जी माइलस्टोन प्रूवन, तो ये जो मेरे ख्याल से सोलो इवेंट है उसका है ये। अनकलेक्टेड ये सब का तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधा पैरागॉन पे जा रहा हूँ। 2000 पॉइंट रिक्वायर्ड, और यहाँ पे शार्ट मिलने वाली है टीयर 5 आईसो 3000, अच्छा 2 मिलेगी, इतना कुछ अच्छा नहीं है। तो ठीक है ये हो गया, यहाँ पे देख सकते हो एक सुमना टाइटल और 500 शार्ट, तो 2000 ही हो, तो खेलते खेलते भी कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे से भी इतना कुछ खास नहीं, लेकिन जो ये साइड इवेंट क्वेस्ट का जो रिवॉर्ड है भाई वो बहुत खतरनाक लगा मुझे, ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है ये मेरे को भाई। ये खेलना इतना लेवल रिवॉर्ड, मैं ये खेलूँगा पूरा एक्सप्लोर करने की ट्राई करेंगे। यहाँ पे एनर्जी रिफिल तो मेरे ख्याल से जो मंथली इवेंट क्वेस्ट है ये वो है, साइड इवेंट क्वेस्ट तो मेरे ख्याल से कोई नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये देख रहे हो क्वेस्ट फॉर्मेट। लेकिन यहाँ पे थ्रेट लेवल जो है वो रिवर्क है, थ्रेट लेवल मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कैवेलियर प्रूवन थ्रेट लेवल नहीं है, ये अलग है, साइड इवेंट क्वेस्ट रहेगा। मंथली इवेंट तो अलग रहता है ना, मंथली इवेंट का तो रिवॉर्ड भी अलग रहता है। तो ठीक है, अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ अगर समझ में नहीं आया है तो ठीक है, अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर कुछ और क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हो तुम लोग, और अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आया तो या कुछ मुझसे कुछ मिस हो गया तो कमेंट करके बताओ। सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।